से स्वागत करता हूँ। मैंने दोस्तों ये फ्लिपकार्ट से परचेज किया है मोबाइल ओप्पो रियलमी C1 है, और इस फोन के बारे में कुछ बातें करते हैं, तो चलिए शुरू। प्रोडक्ट जिसको हमने परचेज किया है अमेज़न से और इसको अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स से बाहर निकालते हैं और देखते हैं। यह है वह मोबाइल जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा था। मैं इसका पैकेट खोलता हूँ। ये रहा वह फ़ोन दोस्तों। इसमें उन्होंने कंपनी ने फ्री में एक केस कवर दिया है फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये है हमारा आइटम रियलमी C1। काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का चार्जर है जो क्विक चार्ज सपोर्ट करता है और फ़ोन को काफ़ी जल्द फुल चार्ज करेगा। और हम अब बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। ऐसी पैकिंग रबड़ लगी हुई है चारों तरफ से, तो इस रबड़ को हम हटाते हैं। और ये है हमारा वो फ़ोन जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो इसको ऑन करते हैं और चलिए देखते हैं क्या खास है इस फ़ोन में। देखने में फ़ोन तो काफ़ी अच्छा और सुंदर लग रहा है, स्लिम फ़ोन है। अब ऑन हो रहा है, इसमें कंपनी का नाम आ रहा है रियलमी। फ़ोन चालू हो गया, इसकी कुछ सेटिंग में किए दे रहा हूँ। डन एक्सेप्ट स्किप कर दे रहे हैं। फेस अनलॉक अभी हमें क्या करना है, कंटिन्यू। ऐसा लुक है इस फोन का, देखने में काफी अट्रैक्टिव लुक का फोन लग रहा है। और ये डुअल सिम फोन है, माइक्रो सिम इसमें लगेगी। तो अगर हम इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो फोन देखने में काफी अच्छा और काफी सुंदर लगता है। स्मार्टफोन नोचदार फोन है, इसमें नोच भी दिया है। इतने सस्ते फोन में नोच शायद ही कोई कंपनी प्रोवाइड कराती है। और इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की बॉडी कंपनी ने प्रोवाइड कराया है, पीछे की साइड आप लोगों को दिख रहा होगा। और अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसकी डिस्प्ले 6.2 इंच की डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1520 मेगापिक्सल है। अगर हम इस फोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस फोन में कंपनी ने प्रोवाइड कराया है स्नैपड्रैगन 450, 14 mm का प्रोसेसर है कंपनी ने इसको बिल्ट किया है जिसमें। और अगर इसके हम स्पीड की बारे में बात करते हैं प्रोसेसर की, तो 1.8 GHz की इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। और अगर हम इसकी GPU की बात करते हैं तो इसमें कंपनी ने डाला है एक तरह से इसको गेमिंग वो बना के कंपनी ने आप लोगों को दिया है वो फोन, तो एड्रोनो का 506 इसमें प्रोवाइड कराया है कंपनी ने। और अगर हम इसके कैमरों की बात अब करते हैं तो इसमें कंपनी ने जो रियर कैमरा है इसका वह 13+2 MP का फुल HD कैमरे इसमें प्रोवाइड कराया है प्लस LED के साथ, जिससे आप 1080 मतलब फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर फ्रंट सेल्फी कैमरे की हम बात करते हैं तो इसमें कंपनी ने 5 MP का कैमरा प्रोवाइड कराया है, जिससे आप अपने काले गोरे चेहरे को और अच्छे से सजा सकते हैं। और अगर हम इसकी मेमोरी की बात करते हैं फ़ोन की, तो इसमें 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल मेमोरी कंपनी ने दिया है, जिसको आप SD कार्ड के जरिए 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगस्त का सिक्योरिटी पैच कंपनी प्रोवाइड करवाती है, कर्नल वर्जन 4.9.82 है। और अगर वर्जन की बात करते हैं तो इसमें ऑडियो वर्जन 8.1 कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। और अगर हम इस फोन की बैटरी के बारे में बात करते हैं तो लिलोन की बैटरी है, जो 4230 mAh की बैटरी है, जो काफ़ी पावरफुल है। और इसके साथ जो चार्जर है वो काफ़ी अच्छा चार्जर है। फेस अनलॉक का फीचर इस फोन में है जो काफ़ी अच्छे से काम करेगा कंपनी का ऐसा कहना है। और फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में कहीं भी नहीं दिया गया है। सस्ते फोन सस्ता होने की वजह से शायद
कंपनी ने नहीं दिया है। और अगर कलर की बात करते हैं तो यह आप लोगों को ब्लैक और ब्लू दो कलर में कंपनी प्रोवाइड कराएगी। इस फ़ोन की कीमत के बारे में बात करते हैं तो इस फ़ोन की ओरिजिनल कीमत 8,000 रुपये है, जो अभी फेस्टिवल सीजन फ्लिपकार्ट के अंतर्गत हम लोगों को 7,000 में ये फ़ोन मिला, 6,999 रुपये में हमने इसको परचेस किया। तो दोस्तों आप लोगों का इस फ़ोन के बारे में क्या कहना है? अगर हम इस फ़ोन के कैमरे को ऑन करते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कैमरा कंपनी ने इसमें प्रोवाइड कराया है। इससे आप फुल एचडी और सेल्फी कैमरा भी है। काफ़ी अच्छी प्रकार प्रकार के आप इसमें स्टिकर वगैरह इस तरह से काफ़ी अच्छे प्रकार के इसमें वीडियो आप बना सकते हैं। इसमें नीचे दिए हुए फ़ोन के अंदर और यहाँ पे आप चार्जर और यहाँ पे 3.5 mm की ऑडियो जैक और इसमें आप लोगों को 4.3 का ब्लूटूथ प्रोवाइड कराती है कंपनी। तो दोस्तों आप लोगों का इस फोन के बारे में क्या कहना है, कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा। और जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो या ना पसंद हो आप लोगों को तो डिसलाइक जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा कुछ करने की सोचूंगा।